गोदाम से ब्लैक हुए राशन को पुलिस ने पकड़ा। पिकअप चालक राशन की बोरी फेंककर मौके से हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर FFC गोदाम से कालाबाजारी को ले जा रहे 22 बोरी पुलिस ने पकड़ी। पिकअप चालक बिस्मिल्ला धर्मकांटे पर फेंक कर बोरियों को पिकअप लेकर हुआ मौके से फरार। ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर में बने FFC गोदाम की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। गोदाम के लोकल मुंशी विक्की ने आज खड़गपुर बाजे श्रीमती इंदिरा देवी के लिए जा रहे राशन पिकअप चालक की पिकअप में करीब 22 बोरी ज्यादा भरकर मिलीभगत से ब्लैक करने के नाम से पिकअप को गोदाम से रवाना कर दिया। मुखबिर ने सूचना दी तो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान कांटे पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ ब्लैक कर ले जा रहे राशन को बिस्मिल्ला धर्म कांटे पर पकड़वा दिया, जिसमें पुलिस ने 22 बोरे राशन बरामद कर पिकअप से उतरवा दिया। मौका देखकर पिकअप चालक पिकअप को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह जो कालाबाजारी चल रही है वह गोदाम के विक्की और अन्य लोकल कर्मचारियों की मिलीभगत से डीलरों के द्वारा की जा रही है, जिसमें यह कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही और चरम पर दिख रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव से जब बात की गई तो बताया कि पिछली बार भी राशन गोदाम से डीलरों की मिलीभगत से एक पिकअप चने की पकड़ी गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही इन कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों के द्वारा नहीं की गई। इस बार भी आज 22 बोरी बिस्मिल्ला धर्मकांटे पर विक्की लोकल मुंशी ब्लैक कराते पकड़े गए हैं, जिसमें पुलिस ने कालाबाजारी के नाम से पकड़ी गई बोरियों की सूचना सप्लाई इंस्पेक्टर को दे दी है। लेकिन मौके पर पहुंचे गोदाम प्रभारी ने अपनी सफाई दिखाते हुए वहां से बोरी उठवाकर गोदाम में वापस कर ली है। जब कालाबाजारी करने वाले विक्की से बात की गई तो विक्की ने साफ तौर पर कहा कि हम इस कांटे पर बोरियां इकट्ठा कर लेते हैं और जिनका अनाज कम पड़ता है यहीं से पूरा कर देते हैं, इसीलिए यहां बोरी डाली गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राशन डीलर और गोदाम प्रभारी और लोकल में जॉब कर रहे गोदाम में यह व्यक्ति कब तक कालाबाजारी करते हैं और गरीब कार्ड धारकों के लिए जो राशन मिलता है उसको कब तक ब्लैक करते हैं, या फिर जल्दी ही प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर इस कालाबाजारी को रोक पाता है और ऐसे अधिकारियों को गोदाम से हटाकर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। विक्की भाई, ये जो माल बरामद हुआ है कितने कट्टे हैं? ये 20 कट्टे गेहूं के हैं, चावलों के कट्टे चावल के हैं, जो हमारे रात जैसे टलारी का कांटा होने आता है माल एक्स्ट्रा हो जाता है डीलर का, तो हम यहीं उतरवा के रखवा देते हैं एक दो कट्टे। आज ये सुबह एक डीलर थे खड़गपुर बाजे के इंदिरा देवी, उनके उसमें 20 कट्टे एक्स्ट्रा भरे गए, वो पिकअप वहाँ ले जा नहीं पाए, हमने यहाँ उतरवा दिए। अब इसको माल हम उठवा लेते, इतने लोग दरोगा जी आ गए, किसी ने सूचना दी दरोगा जी को, बोले ऐसे ऐसे दो नंबर का माल पड़ा है। दो नंबर का माल नहीं है, हमारे गोदाम का माल है, हमारे से संबंधित है। अच्छा, तुम एक्स्ट्रा क्यों भरवाते हो ये कट्टे? लेबर भूल चूक हो जाती है, लेबर भर देती है। अच्छा, एक आध दो कट्टे की भूल चूक हो जाती है, इतने कट्टों की कैसे भूल चूक हो गई? समझ में नहीं आ पाता है, जैसे हमने 79 का 89 भर दिए, इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये 25-30 कट्टे पड़े हैं, इनकी भूल चूक हो गई? 25-30 नहीं, 20 कट्टे गेहूँ हैं, दो कट्टे चावल के हैं, जो कि 22 बोरे हैं, इनकी भूल चूक हो गई लेबर से। वो भैया, अच्छा यहाँ जो कांटे पे आए हैं तो आपने उतरवाए हैं, किसने उतरवाए हैं? एक लड़का हमने कांटे पे रख रखा हुआ है, वो आजी जी के सामने जो कांटा मालिक हैं उनके सामने उतरे हैं। अच्छा, आप किस कार्यरत पे तैनात हैं गोदाम में? गोदाम ऑपरेटर हूँ, प्राइवेट। प्राइवेट, कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी मेरी ऐसी 10,000 के करीब। 10,000 के करीब। अच्छा, ये जो कालाबाजारी आप कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? हम कालाबाजारी नहीं कर रहे। तो फिर ये कट्टे कैसे भरे गए? कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं हम, कालाबाजारी करते तो ये तो अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता। पुलिस से संबंधित कर रहे हैं अपना। पुलिस के अलावा किसी आला अधिकारी को आपने सूचना दी जिला लेवल पे? हमने सूचना नहीं दी, इसको तो हम उठवा लेते हैं। अच्छा, अगर ये लोगों के संज्ञान में नहीं आता तो ये माल ब्लैक आप लोग करते? नहीं करते। तो फिर ये कट्टे कैसे आए? ये एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इतने सारे कट्टे एक्स्ट्रा कैसे हो गए? पिकअप में ये भरा गया है, धोखे से लेबर की गलती रही है, हमारे बताने में गलती रही है। अच्छा, आपके अलावा कितने लोग लोकल में जॉब करते हैं वहाँ गोदाम में? मैं ही हूँ सिर्फ। आप ही हैं? हाँ, मैं और एक गोदाम इंचार्ज। जब माल भरा जाता तो कितने लोग भरते हैं इस माल को, कितने अधिकारियों के संज्ञान में होता है? अधिकारी कोई नहीं होता, गोदाम प्रभारी होते हैं हमारे, मैं होता हूँ और हमारी लेबर, जिसमें कि 11 जने स्टाफ में लेबर के। ये माल कौन से डीलर के यहाँ जा रहा था? इंदिरा देवी खड़गपुर बाजे। खड़गपुर बाजे जा रहा था। तो अब उनका जो पिकअप थी वो कहाँ है? पिकअप उनका माल पूरा हुआ है, वो लेकर चले गए ये उतार के जो आपने भरवाया था एक्स्ट्रा। अच्छा, कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आए थे? अधिकारी कोई भी नहीं आया अभी तक, पुलिस आई थी। हाँ, दरोगा जी आए थे, दरोगा जी का मेरे पास फोन पहुँचा था, दरोगा जी ने कहा बोले ऐसे ऐसे कट्टे एक्स्ट्रा हैं, उनकी जी सर वो इस तरीके से हो गया था, बोले ठीक है इन्हें कट्टों को उठवा लीजिए।
उनका हमारे पास फोन पहुंचा। अच्छा, जो लेबर ने भरे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कराना चाहोगे अपने माध्यम से? अपने माध्यम से बस उन्हें कार्रवाई क्या भूल चूक हो जाती है, जब आदमी पूरे दिन काम करता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसके हो जाता है, उन्हें आगे के लिए सचेत कर दिया जाएगा। अच्छा, पिछली बार भी गोदाम से चने भरे गए थे तो भी लेबर की कमी से भरे गए थे? चना हमारे गाँव का नहीं था, चना करणपुर पकड़ा गया था, वो हमारे लेवल का मामला नहीं था, वो अलग। अच्छा, ये तो संबंधित कोई मामला, ये अब आपके संज्ञान में आ चुका है, इसे किस तरह से लेंगे? क्या आगे भी इस तरह की कालाबाजारी कराएंगे या कालाबाजारी हो कहाँ रही है? ये फिर क्या है? ये तो माल एक्स्ट्रा हो गया तो हमने उतरवा दिया है। अब एसडीएम को आपने सूचना दी है? हमने सूचना क्यों, हम तो अपना माल उठा लेंगे। चलिए, ठीक है। नाम क्या है? सेठपाल सिंह चौहान। अच्छा सेठपाल सिंह चौहान जी, ये बताइए, ये आपके गोदाम से 22 कट्टे ब्लैक हो रहे थे? नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं, सफेद जूट है। यहाँ कांटे पर डाल दिए गए हैं? नहीं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ब्लैक कोई नहीं, सर फालतू में डालते हैं। सर, एक बोरी का वजन कितना होता है? किसी में 48 किलो भी हो जाता है, किसी में 49 किलो भी हो जाता है, किसी में 50 किलो भी हो जाता है एक बोरी में। हाँ, 10 क्विंटल पे अगर 2 किलो वजन कम होता है तो 10 क्विंटल पे कितना वजन कम होगा, ये हिसाब आप अपने आप लगा लीजिए। 40। अच्छा, यहाँ 40 किलो होगा ना सर, तो ये भी यहाँ पर 10 क्विंटल है, ये है, ये पड़ा है यहाँ पे। आपके तो गोदाम में कांटा लगा हुआ है, फिर भी इस कांटे से क्या मतलब? गोदाम में कांटा लगा हुआ है, डीएसओ साहब ने बंद करा रखा है। अच्छा, अभी मैंने देखा वहाँ 2 गाड़ियों का कांटा हो रहा था गोदाम में, मैं गया था, तो आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ का कांटा बंद है और यहाँ कांटा चालू है? आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, ये यहाँ कितने दिनों से आप इस गोदाम से यहाँ माल डालते हैं एक्स्ट्रा ला के? कितने दिनों से डालते हैं? ट्रॉली आती है यहाँ, उतर जाता है 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से इस कांटे पे। अच्छा, यहाँ जो कांटा मालिक है, कांटा स्वामी का ये कहना है कि यहाँ कोई भी कट्टा इससे पहले नहीं पड़ा था, ये पहली बार हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं फिर कि ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी क्या सरकारी जॉब है आपकी गोदाम में? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सरकारी जॉब है गोदाम में? आपकी सरकारी जॉब है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, भारतीय किसान यूनियन बानू से, राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, आज एक गोदाम से 22 कट्टे बरामद किए हैं कांटे पे, क्या है पूरा मामला और कौन से गोदाम के हैं, किस डीलर के पास ब्लैक होकर वो जा रहे थे? ये ग्राम खड़गपुर बाजे की इंदिरा देवी राशन डीलर हैं, उनका माल भर के पिकअप में जा रहा था, जिसमें क्या 20 कट्टे नहीं थे, 30 कट्टे फालतू मुंशी ने भरवाए थे वहाँ से। जैसे ही मतलब जो वो तोलने पे बिस्मिल्ला धर्म कांटे पे आए थे, वहाँ पे हमारे कुछ बंदे मतलब वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, खड़े थे, उन्होंने जब माल के बारे में मालूमात करी तो वो घबरा करके 30 कट्टे वहाँ पे डाल के इंदिरा देवी के पिकअप वाला वो वहाँ से भाग गया, जिसकी के मौके पे चौकी इंचार्ज को बुला करके जो कोटे के जो कट्टे हैं उनको दिखाया, उनको अवगत कराया, बाकी आला अधिकारियों को उसकी खबर। कौन है वो जो मुंशी जिसने भरवाए थे, क्या नाम है? मुंशी का नाम बिक्की बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कि असली नाम उसका क्या है, बिक्की है। और ये बहुत दिनों से मतलब यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है, पीछे ही मैंने शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया था, ये मेरे पास में सारे ज्ञापन हैं, ज्ञापनों के माध्यम से मैंने दिए हैं सब कोटे डीलरों के लिए भी, गोदाम पिरवारी के लिए भी, मुंशी के लिए भी, अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं हुई है, जिसकी यही वजह है जो ये कालाबाजारी पर बाज नहीं आ रहे हैं, कालाबाजारी में भी जा रही है। अच्छा, कोई अधिकारी आया था उस कट्टे देखने के लिए? अधिकारी आते हैं, अधिकारी जांच करते हैं, मगर ये सांठ गांठ करके अपने आप को बचा लेते हैं। तुम क्या चाहते हो? हमारा यही है कि कोई आला अधिकारी डीएम साहब के द्वारा मतलब जो ये जांच बिठाई जाए और स्पष्ट इस पर कार्रवाई हो और इनके विरुद्ध कोई भी कानूनी ऐसी सख्त कार्रवाई हो जिससे क्या एक मैसेज पहुँचे और ये कालाबाजारी बंद हो। अच्छा, जो गोदाम में बिक्की नाम के व्यक्ति ने ये ब्लैक करा रहा है डीलरों से मिलके, उसको वहाँ रहना चाहिए, हट जाना चाहिए? नहीं, उसको तो फौरन हटा देना चाहिए और उसके ऊपर में कोई कानूनी मतलब जो कार्रवाई हो जिससे कि सबक मिले और हो। अच्छा, ये जो गरीबों यतीमों के लिए गल्ला आता है तो ये जो ब्लैक करते हैं उन लोगों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई कराना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब पात्र लोगों तक तो गल्ला पहुँच ही नहीं रहा। इसकी भारतीय किसान यूनियन बानू काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रही है, शासन प्रशासन को इस बारे में जगा रही है, अधिकारी जांच कराते हैं, मगर ये छोटे अधिकारी जांच के नाम पे एक मतलब जो खाना पूर्ति करके इसको जो दबा दे। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुंची थी, किसी को हिरासत में लिया? किसी को हिरासत में नहीं लिया था, पुलिस मौके पे वहाँ पे पहुँच गई थी, मगर उन्होंने वहाँ पे जो कांटे मालिक के अंडर में वो जो माल निकलवा दिया था, अब वो बोल रहे हैं
कि अभी हम पता करके बताते हैं, माल तो वहाँ से उठ गया है, ये सब मिली वगैरह है। अच्छा, जो बिक्की लड़का है उसका कहना ये है कि यहाँ कांटे पे तुलवाते हैं, कांटा तो गोदाम के अंदर भी है, तो कांटे को क्यों बंद? गोदाम के अंदर है वो, DSO साहब ने किसी वजह से बंद कर रखा है, मगर किसी का फायदा उठा के बाहर के कांटे पे जो माल आता है हर पिकअप में, ये 10-15-20 बोरियाँ फालतू गिरवा के मतलब बाहर भिजवाते हैं, वो ब्लैक करते हैं कोटा डीलरों से आधे पैसों पे, ये वहीं पे मतलब तय करके हुई माल ज़्यादा बढ़ा।